गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति मेकओवर ऑफिशियल पार्लर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्राइडल फेशियल किट, जो है अरोमा मैजिक ब्राइडल ग्लो फेशियल किट 7 स्टेप। ये फेशियल किट है, इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह की पैकेजिंग में निकलती है। तो ये वन टाइम यूज है, आप इसको सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेप है जो क्लिंजर दिया गया है, सेकेंड स्टेप दिया गया है इसका एक्सफ्लोर जेल, और थर्ड स्टेप दिया गया है इसका सीरम, और इसका जो फोर्थ स्टेप दिया गया है नरिशमेंट क्रीम, 5 स्टेप इसका दिया गया है पैक, और हाइड्रेटिंग सेकंड स्टेप दिया गया है हाइड्रेटिंग जेल, और 7 स्टेप दिया गया है सनस्क्रीम। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो ये इसका पूरा पेपर पे सब कुछ लिखा गया है इस फेशियल की किट के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं और कितने टाइम तक ये इनके स्टेप आपको फॉलो करने हैं, सब चीज़ें इस उसमें लिखी गई हैं। और इसके पीछे भी मतलब पैकेजिंग के पीछे इसका फर्स्ट स्टेप है जो दिया गया है क्लिंजर। क्लिंजर मैंने कट कर लिया और मैं अपने हैंड पे इसको निकाल लूँगी। हैंड पे निकालने के बाद मैंने पूरा मतलब हैंड पे निकाल लिया, फिर मैं फेस पे अप्लाई कर दूंगी, थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी इसमें और अच्छे से फेस क्लीन करूँगी। फेस पे जितनी भी डेड स्किन है, डेड सेल्स हैं, धूल मिट्टी है और जितनी भी मतलब ऑयल इनके फेस पे है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, स्किन एकदम क्लीन हो जाए। तो ये हमको जो करना है क्लिंजर 2 से 3 मिनट तक करना है, अच्छे से फेस आपको क्लीन कर लिए, कोई भी अच्छे से क्लीन करिए, अगर फेस पे आपके मेकअप लगा हुआ है तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगा। अब मैं टिश्यू की हेल्प से इसको क्लीन कर लूंगी। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है गाइज, अगर आप घर पे करते हो इसको, तो आप कोई भी सॉफ्ट सा हैंकी ले सकते हो, उससे इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा फेस पे से क्लीन कर दिया। अब मैं ले रही हूँ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में पता है इसमें क्या लिखा गया है कि ये सेकेंड स्टेप जो है एक्सप्लोटिंग जेल, मतलब इसको हमें फेस पे अप्लाई करना है जैसे हम पैक अप्लाई करते हैं, और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद ना आपको क्या करना है कि मतलब ड्राई हैंड से, वाटर ऐड नहीं करना है, ड्राई हैंड से ही इसकी मसाज देनी है आपको। तो ये मैंने पूरा अप्लाई कर दिया। आप 10 मिनट बाद जब ये सूख जाता है, मतलब 10 मिनट जब हो जाते हैं, तो ऐसे हो नहीं रहा था मेरे से ड्राई हैंड से, तो मैंने थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कराया। अब वाटर या टोनर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें गुलाब जल ऐड करा है और उससे ही मैं हल्की सी इसको मसाज दे रही हूँ। इसके बाद मैंने ये करा है, और इसको जो मसाज देनी है ना आपको 2 मिनट मतलब 3 मिनट तक लिखा गया है, पर मैंने थोड़ी ज़्यादा दी। क्या है कि इनके ना इतने नोज़ पर और इतने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं कि मुझे थोड़ी मसाज ज़्यादा देनी पड़ी। मुझे ना ये जो जैसे अगर इनके जैसे वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स किसी के ज़्यादा हैं, तो गाइज़ आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे कहीं से भी स्क्रब नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक जेल बेस में था। तो मैंने ना मशीन मैंने चालू कर ली है, और थोड़ी सी आपको इसमें स्टीम देनी है। स्टीम से क्या है ना, जब आप स्टीम दोगे तो ओपन पोर्स को स्टीम आते हुए नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये कैसे नहीं दिख रही, कैमरे में नहीं दिख रही है ये स्टीम आते हुए। और जो ये स्टीमर है ना, मैंने थोड़ा ऊपर रख मतलब मेरा जो स्टीमर है वो बड़ा है, तो मैंने काफ़ी ऊपर से स्टीम दी है, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा स्टीम नहीं दे रही हूँ। और इसके बाद जो मैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाल रही हूँ, तो ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो निकल रहे हैं ना, वो भी मुझे स्टीम की वजह से ये निकल रहे हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हो, कोई भी अदर कंपनी का स्क्रब ले सकते हो, जैसे BLCC का हो गया, लोटस का हो गया, वो आप ले सकते हो, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये थर्ड स्टेप ले रही हूँ जो दिया गया है सीरम। सीरम क्या है, आपको अप्लाई करना है फेस पे, और जो ये सीरम है ना गाइज, ये सीरम बहुत अच्छा है, और इसको आपको अच्छे से फेस पे स्प्रेड करना है, इसकी जो मसाज देनी है आपको, और फेस में ना ये एब्जॉर्ब कराना है सीरम। तो मैं अच्छे से इसकी मसाज दे रही हूँ, प्रेशर पॉइंट दे रही हूँ, और इसको एब्जॉर्ब करा रही हूँ फेस पे। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ गाइस, ज़्यादा स्टेप मैं नहीं फॉलो करती हूँ, इन्हीं स्टेपों में आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आईज़ की तरफ, और जितने भी मतलब वो होते हैं ना आपके प्रेशर पॉइंट होते हैं वो आपको देने होते हैं। तो अब ये मैं दे रही हूँ फोर्थ स्टेप दिया गया है इसमें क्रीम। फोर्थ स्टेप दिया गया है इसमें क्रीम, जो है नरिशमेंट क्रीम, फेस को नरिश करती है, हमारी स्किन में नरिशमेंट लाती हैं, एंड बहुत सॉफ्ट सा टेक्सचर आता है इस क्रीम से। तो आपको ये क्रीम की मसाज 10 मिनट तक देनी है, और अच्छे से आप इसकी मसाज दीजिए, काफ़ी अच्छे फेशियल के रिजल्ट हैं। मुझे ये फेशियल काफ़ी अच्छा लगा। आप इस फेशियल को सर्दियों में यूज़ करोगे तो ये फेशियल के रिज़ल्ट सर्दियों में बहुत अच्छे हैं, एंड ड्राई स्किन पे इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे निकल के आएंगे। इनकी जो स्किन है, इनकी स्किन ना तो ड्राई है ना ही ज़्यादा ऑयली है,
और इनकी स्किन पे ना छोटे 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 दाने दिए गए हैं। तो आपको क्या है ना, जिनके फेस पे दाने ज़्यादा होते हैं तो मतलब ज़्यादा मसाज नहीं देनी होती है, क्योंकि हमारे हाथों में इससे भी ना हीट निकलती है, जिससे जो हमारे दाने होते हैं फेस पे दाने होते हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इतनी मतलब मसाज नहीं देनी है, सॉफ्ट हैंड से आपको मसाज देनी है। नॉर्मली मैं स्टेप देती हूँ, जिनके फेस पे ऐसे दाने होते हैं वो भी आपको ज़्यादा नहीं मतलब स्टेप भी ज़्यादा फॉलो नहीं करने होते हैं। तो नॉर्मली आप इसमें मसाज दोगे वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। अब मैं क्रीम की पूरी मसाज दे रही हूँ, वो 10 मिनट तक दे रही हूँ। अगर स्किन किसी की स्किन जैसे ड्राई है और दाने की और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको 15 मिनट भी दोगे ना तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि इस क्रीम से ना मुझे फेस पे अलग ही ग्लो लगा और इसका सिरम भी गाइस बहुत अच्छा है। तो ये मैं इसकी मसाज दे रही हूँ, आराम से करना आप, कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से रिलैक्स फील होना चाहिए आपके क्लाइंट को। ये मैं लिफ्टिंग कर रही थी फेस की, तो आप अच्छे से लिफ्टिंग करिए और जितने भी प्रेशर पॉइंट है प्रेशर पॉइंट दीजिए इसके बाद नोज़ एरिया की तरफ, और जिधर ना आपको लगे कि हमारी स्किन इधर से इवन टोन है उधर की तरफ अच्छे से मसाज दीजिए। और अगर आप ब्राइड हो तो आप ये ब्राइडल फेशियल ज़रूर यूज़ करना, काफ़ी हेल्पफुल लगेगा ये ब्राइडल फेशियल। अगर आपकी जैसे इनकी स्किन है जिनके मैं फेशियल कर रही हूँ ऐसी स्किन है, तो आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे फेशियल करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये पूरा जो मेरा क्रीम की मसाज थी वो डन हो चुकी है। आपको जितने भी प्रेशर पॉइंट हैं वो आपको देने हैं ईयर की तरफ, फेस लिफ्टिंग, और ये सारे प्रेशर पॉइंट देने के बाद आपको क्या है ना, जो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे ग्लो नहीं आता ये नहीं होता, तो आप मसाज और प्रेशर पॉइंट दोगे तो 100% आपके फेस पे ग्लो आएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो गाइस 10 मिनट हो चुकी हैं और आपको क्या है ना कि इसको आपको टिश्यू से साफ नहीं करना है, मतलब वाइप अप नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। अब मैं ले रही हूँ 5 स्टेप जो दिया गया है पैक, और 6 स्टेप है जो हाइड्रेट जेल, उन दोनों को आपको मिक्स करके पैक बनाना है और उसको फेस पे अप्लाई कर देना है। 15 मिनट इसमें बताया गया है कि आपको 15 मिनट तक करना है पैक मिला, मतलब दोनों चीज़ों को मिला के अप्लाई करके 15 मिनट तक उसको छोड़ देना है, पर मैं 10 मिनट तक कर रही हूँ। और हाइड्रेट जेल मैंने आधा बचा लिया है जिसे मैं ओजो फ्रिक्वेंसी मशीन से 5 मिनट के लिए यूज़ करूँगी, जिससे फेस काफ़ी हाइड्रेटेड दिखाई दे। जैसे इनके फेस पे ज़रा भी हाइड्रेशन नहीं है, ग्लो नहीं है फेस पे, चमक नहीं है ज़रा भी, वो मैंने इसीलिए बचा के रखा है। मशीन से मैं यूज़ करूँगी, फेस पे हमारे जैसे 7 लेयर्स होती हैं तो वो 3 लेयर तक वर्क करता है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आता है। तो मैं इसको 10 मिनट तक छोड़ दूंगी, 10 मिनट के बाद मैं वाटर की हेल्प से पूरे फेस पे 2 मिनट की मसाज दूंगी। 2 मिनट से ज़्यादा आपको मसाज नहीं देनी है, इसमें बताया भी नहीं है, जो इसमें पेपर दिया गया था उसमें सारे बताया गया ना कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो मैं इसमें 2 मिनट की मसाज इसलिए देती हूँ क्योंकि फेस पे जब थोड़ा सा पैक है ना वो ड्राई हो जाता है तो बिना मसाज के वो नहीं रिमूव नहीं होता है, तो हमको ना 2 मिनट की या 1 मिनट की मसाज ज़रूरी देनी होती है। तो मैं इसको 2 मिनट की मसाज दे रही हूँ, 2 मिनट की मसाज देने के बाद ही मैं जो हाइड्रेटेड जेल है वो मैं अप्लाई करूंगी इनके फेस पे। जैसे इनके फेस पे ना दाने बहुत है गाइस, तो आपको ना कोई भी मतलब जो भी स्टेप है जैसे क्रीम का हो गया जेल का हो गया जो भी स्टेप है वो आपको ज़्यादा हैवी हाथों से मतलब ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं देनी है, नॉर्मली हैंड रखना है और रिलैक्स फील कराना है इनको। जैसे इनके फेस पे दाने हैं, अगर हमारे हाथों में से भी क्या है ना हीट प्रोटेक्ट होती है, हीट निकलती है, तो दाने ना ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो ज़्यादा टाइम की मसाज आपको नहीं देनी है। अगर आप 10 मिनट की मसाज है तो आपको 6-7 मिनट ऐसे देनी है। अब ये हाइड्रेटेड जेल है ना, मैं इसको पूरा फेस पे अप्लाई कर दूंगी, पूरा फेस पे मतलब लगा दूंगी। फेस पे लगाने के बाद देखो मैं कैसे अप्लाई कर, पूरा फेस पे अब फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ और पूरे फेस पे, मैंने नेक पे भी पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। अब मैं मशीन दिखाती हूँ, मशीन का टेम्परेचर आपको सेट करना होगा और आप देख सकते हो ये मशीन में मतलब इस तरीके की लाइट दिखाई देती है, और ये मशीन ना थोड़ी सी मतलब वाइब्रेट होती है ना, जैसे वाइब्रेशन की आवाज़ आती है ऐसे करके इसमें आवाज़ आती है। तो आपको टेम्परेचर अपने क्लाइंट से पूछना है कि उनको ज़्यादा झंझनाहट तो नहीं लग रही है,
ज्यादा मतलब लग तो नहीं रहा है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आपको इसका ग्लो भी दिख रहा होगा गाइज, इनके फेस पे ना छोटे छोटे दाने थे, मैंने इसी वजह से ये मशीन यूज करी है और इनके फेस पे जरा भी मतलब हाइड्रेशन नहीं थी, एक ग्लो भी नहीं था, इतनी ड्राई स्किन थी। और ये जो फेशियल है ना ड्राई स्किन वालों के लिए काफी अच्छा है, सर्दियों में आप इसको यूज करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो 5 मिनट तक आप इसको मशीन से करिए और आप फेस पे इसको मशीन लगाने के बाद जब फेस पे आप करने लगते हो ना तो आपको बार बार ये हटा के दूसरी जगह नहीं करनी है, ऐसे ही घुमा घुमा के पूरे फेस पे जितना भी जेल आपने लगाया है वो पूरा एब्जॉर्ब कराना है इस मशीन से। तो मैं 5 मिनट तक कर रही हूँ और आप देख सकते हो ग्लो कैसा आ रहा है, 3 दिन के बाद और अच्छा इनका ग्लो आया जब मैंने इनकी वीडियो नहीं ली, वरना मैं इसमें छोटी सी क्लिप लगा भी देती, मैं मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आया मतलब कि मुझे इनकी छोटी वीडियो लेनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने फेशियल काफी दिनों बाद डाला है, ये वीडियो ऐसे ही रखी थी मेरे फोन में पर मैंने ये वीडियो अब छोड़ी है। गाइज ये फेशियल बहुत अच्छा है, आप जरूर ट्राई करना, अगर आपको मेरी वीडियो से ये फेशियल समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। लास्ट में आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मतलब जो जितने भी आप प्रेशर पॉइंट देते हो वो प्रेशर पॉइंट आपको अपने हैंड से देने हैं और थोड़ा सा फेस को वाइब्रेट करना है, लिफ्टिंग करनी है फेस की। इसके बाद ना आप कोई भी मतलब गीला टिश्यू लें, ज्यादा उसमें वाटर ऐड ना करें, गीला टिश्यू लेके और जो जेल था हल्का फुल्का जो जेल फेस पर रह गया है कुछ भी तो उसको ना वाइप अप करना है आपको, इसके बाद ही आप 7 स्टेप यूज करना। तो जितने भी मतलब मैंने मेरे फेशियल में प्रेशर पॉइंट दिए जाते हैं वो सारे प्रेशर पॉइंट आपको लास्ट में देने हैं और प्रेशर पॉइंट देने के बाद गाइस आपको सनस्क्रीन मतलब इसमें जो 7 स्टेप है वो सनस्क्रीन दी गई है, वो मतलब आप आजकल तो सभी फेशियल किट में सनस्क्रीन आने लगी है जो काफ़ी अच्छी होती है, पहले नहीं आती थी अब आने लगी है। और जो सनस्क्रीन होती है ना गाइस वो हमारे ना स्किन को काफ़ी प्रोटेक्ट करती है, जैसे हमने फेशियल किया और हम डायरेक्टली बाहर चले गए धूप में चले गए जिससे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है फेशियल करके तुरंत और वो ग्लो नहीं आता है, और हम पार्लर गए फेशियल कराने धूल मिट्टी में आते हैं तो उससे भी स्किन खराब हो जाती है। तो इसके बाद जितने भी प्रेशर पॉइंट है मैंने दे दिए हैं, स्किन वाइब्रेट कर दी है, अब 7 स्टेप मैं ले रही हूँ। 7 स्टेप भी आपको क्या है फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है जो सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन ना एक फेस पे लेयर बना देती है जिससे ना धूप अगर आप धूप में जाते हो जैसे फेशियल करा के जाते हो डस्ट से तो वो लेयर बना देती है आपके फेस पे, जितनी भी मतलब आप धूप हो गई और डस्ट हो गई वो बाहर ही रह जाती है, वो आपके फेस के अंदर तक नहीं जाती है। तो ये सनस्क्रीन का काम होता है जो हमारे फेस को प्रोटेक्ट करती है और एक थिक सी लेयर बना के रखती है। और इसकी सनस्क्रीन भी ना गाइस काफी अच्छी थी, मुझे काफ़ी पसंद आई नेक पे। अच्छे से आप सनस्क्रीन ना थोड़ी ज्यादा लगाएं फेस पे, अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद अपने क्लाइंट से बोल दीजिए कि वो 24 घंटे बाद ही साबुन से या फेस वॉश से अपना फेस वॉश करें। और इनको फेशियल काफ़ी अच्छा लगा, रिजल्ट भी इन्हें काफ़ी अच्छा लगा, दाने भी काफ़ी हद तक रिमूव हो चुके हैं, मतलब इतने नहीं दिखाई दे